वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा, तो वो ऊपर जाएगा। देखो ये जैसे जैसे ये है, अगर हम इसमें ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सॉरी ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पहले थे, अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट ऐड करते हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, कुछ मात्रा में सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया। अगर हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए, अगर हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो यही सॉल्यूट क्या होगा, ये सॉल्यूट क्या होगा, ये वेपराइज फॉर्म में होगा। ये यहाँ तक लिक्विड मान लेते हैं भरा है सोल्यूशन का, अब यही वेपराइज फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे ऊपर वेपराइज फॉर्म में सॉल्यूट आ जाएगा। ये वेपराइज फॉर्म में सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, जब वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यही द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये वेपर्स जो हैं सॉल्यूट के जो वेपराइज हुए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के सरफेस पे जो ये प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते थे। द वेपर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेशर ऑन द अबव सरफेस ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर, तो उसे क्या कहते थे, वेपर प्रेशर कहते थे। अब देखो वेपर प्रेशर तो हो गया, वेपर प्रेशर हमारा हो गया, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप नोट्स बनाना चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन पे डिपेंड रहे हैं, ये नंबर पे डिपेंड रहे हैं, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, तो नंबर्स पे डिपेंड रहे, उसके नेचर पे ना डिपेंड रहे। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल नंबर पे डिपेंड रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ थिंग्स, या नंबर ऑफ जो भी कंसंट्रेशन, केवल नंबर पे डिपेंड रहे, उसके नेचर पे, उसके सब्सटेंस के या किसी चीज के नेचर पे डिपेंड ना करे, उस सब्सटेंस के नेचर पे ना डिपेंड करे, केवल नंबर पे डिपेंड करे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर, नॉट इट्स नेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ थिंग, नॉट इट्स नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, तो उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी चीजें हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, हमको पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम जान पाए। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको चार चीजें पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली चीज हमको पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो इसीलिए बताया, क्योंकि वेपर प्रेशर का देखो यहाँ यूज आ गया। अब जितनी चीज आगे आप पढ़े हो बुक से, बुक के अकॉर्डिंग आप इसमें देखो, क्योंकि बुक में कोई चीज बाद में दी हुई है जो कि पहले पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत चीज है। मैं आपको जो पहले पढ़ा रहा हूँ उसका सबका बाद में यूज है यहाँ। ठीक, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो चौथा और आखिरी इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, केवल चार चीजें ही पढ़नी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चौथा और आखिरी जो हमें पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक, और वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से भी डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि के नेचर पर नहीं डिपेंड कर रही, केवल नंबर्स पर डिपेंड कर रही, इसमें हमको चार चीजें पढ़नी है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो,
इसको डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो है, ये रेशियो है तो इसको आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये चार चीजें हमको इसमें पढ़नी है। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? आप देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम जानते हैं, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जानते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जानते हैं। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको बता दिया था, तो व्हेन वी डिसॉल्व सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, समझे, when we dissolve some non-volatile solute in a volatile solvent, then the vapor pressure of solution decreases. vapor pressure जो होगा solution का जो vapor pressure होगा, vapor pressure जो solution का होगा decreases होगा। देखो कैसे, ये एक solution जिसमें केवल और केवल volatile solvent जो वेपराइज फॉर्म में चला जाए। ठीक, तो यहाँ वेपर्स थे, बहुत सारे वेपर्स थे क्योंकि volatile solvent था सॉल्यूशन में, ज्यादा मात्रा में volatile solvent था केवल, तो ये वेपराइज फॉर्म में होता था, यहाँ वेपर प्रेशर लगता था, ये पी नॉट था। ठीक, अब उसके बाद जब हमने when we dissolve, मैंने क्या कहा, नॉन volatile सॉल्यूट जब हमने मिलाया, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी इसमें मिला दिया, जब वोलेटाइल सॉल्वेंट था ही, अब इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी इसमें मिला दिया, तब क्या हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर हुआ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो जल्दी से वेपराइज ना हो, तो ये क्या होगा, ये इसकी जो यहाँ सॉल्वेंट्स हैं यहाँ उनको भी कम कर देगा, और ये रिएक्ट करके यहाँ पे क्या करेगा, स्पेस ऐसा फिल कर देगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कि ये इसके ऊपर सॉल्वेंट जो होंगे डिसॉल्व के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, और ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो कम कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को लोअरिंग कहते हैं, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जो जल्दी से वेपराइज फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, तो ये ना होगा, ना होने देगा, तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट था केवल, तो वेपराइज हो जाता था, इसलिए पी नॉट था, ये पी एस है, ये सॉल्यूशन हो गया, तो ये पी एस है। ठीक, ये पी एस है, ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा जब वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में नहीं, कम रहेगा। ठीक, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आया, कि हमारा जो पी नॉट था सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल हमारे प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब प्रेशर क्या था सोल्यूशन का। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 minus PS upon P0। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 minus PS upon P0। तो P0 minus PS upon P0 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, मतलब कि जो
पहले था इनिशियल, और ये जो फाइनल जो जब नॉन रिलेटिव सॉल्यूट मिला है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो गया। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जैसे ही हम बताते हैं, जैसे ही ये पता चलता है राउल्ट्स को, तो राउल्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ निकाल दिया। जैसे उनको ये पता चला कि रिलेटिव लोअरिंग जैसे ही हम क्या मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर प्रेशर जो हो रहा है सॉल्यूशन का घट जा रहा है, और उसका रेशियो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो रहा है। तो उन्होंने एक एक लॉ दे दिया अपना लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इन्होंने यहीं पे दे दिया, राउल्ट्स लॉ दे दिया यहीं पे इन्होंने राउल्ट्स लॉ दिया। राउल्ट्स लॉ में क्या दिया कि उन्होंने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन इट डिसॉल्व्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना मिलाएंगे, उन्होंने कहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना मिलाएंगे, जितने मोल फ्रैक्शन मिलाएंगे, उतना ही तो लोअर होगा वेपर प्रेशर, उतना ही तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो उन्होंने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ non volatile solute मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो राउल्ट्स लॉ को किस तरह हम लिख सकते हैं, तो राउल्ट्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी कर देते।